वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है मोर पेन लेबोरेटरी। अब इस शेयर का जो प्राइस है आपके सामने ओपन किया मैंने, 65 रुपये 75 पैसे इसका प्राइस है और लास्ट डे यानी 20 तारीख की इसकी जो क्लोजिंग थी वो करीब 2.3% लो पे थी इसकी क्लोजिंग। अब अगले लेवल के ऊपर बात करने से पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं इसका। और किसी भाई का कमेंट आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ फाइनेंस के ऊपर। अब जैसे ही फाइनेंस के ऊपर हम देखते हैं, आपके सामने बहुत छोटी कंपनी है। अब फाइनेंस ईयर 2018-19-20-21 610 करोड़ रिवेन्यू था, जो 2019 में बढ़ के 772 हो गया, फिर 2020 में 862, फिर 2021 में रिवेन्यू के अकॉर्डिंग देखो कंपनी ग्रो कर रही है। उसके बाद नेट इनकम भी उसी तरह लगातार बढ़ रही है। मतलब आप रिवेन्यू और नेट इनकम को अगर कंपेयर करोगे, चार्ट बनाओगे, तो चार्ट पैटर्न अगर आप बनाओगे तो रिवेन्यू का भी स्केल और इसका भी स्केल अपसाइड जा रहा है, काफ़ी अच्छा ये। उसके बाद देखते हैं हम होल्डिंग के ऊपर। जैसे ही होल्डिंग के ऊपर आए हैं, सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग 34.5% होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ही नहीं, म्यूचुअल फंड पैसा निकाल चुका है। फिर DII की होल्डिंग, DII भी अपना पैसा निकाल रहा है। FI ने भी अपना पैसा निकाल लिया। उसके बाद होल्डिंग है रिटेल के पास, 62% होल्डिंग है और रिटेल ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पर प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल है। अब म्यूचुअल फंड ने क्यों पैसा रखा, देखो कंपनी ग्रो, एक तो कंपनी बहुत छोटी है, उसका रिवेन्यू इतना नहीं है, कंपनी का को प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड वहाँ पैसा रखती है जहाँ ग्रोथ हो बहुत ज़्यादा। और तो इसीलिए ना, पर स्टेबिलिटी बात करता हूँ, मुझे लगता है शायद शेयर में आने टाइम में और अच्छे आपको प्राइस देखने को मिले। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तब भी शेयर में ठीक ही लग रहा है, बाकी आप भी अपने एंड पे एक बार स्टडी करना, क्योंकि अगर बैलेंस शीट का अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, पर यह है कि बहुत ज़्यादा होल्डिंग रिटेल के पड़ी है। रिटेल की होल्डिंग 37% और रिटेल भी अपना पैसा निकाल चुका है। अदर पार्टी में होता है, जैसे कोई कंपनियाँ होती है, कंपनियाँ सपोज करो कोई भी एक छोटी कंपनी होगी, जैसी आप किसी की फार्म होगी, वो फार्म के नाम पे उसका डीमैट अकाउंट है, वो डीमैट अकाउंट का जो पैसा वो इन्वेस्ट करा अपने फार्म के नाम से, वो सारी अदर पार्टी में जाती है। या किसी की कंपनी है, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करे तो वो सारी अदर पार्टी में जाएगी। इन्वेस्टर भी, जो रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें से पैसा निकाल चुका है। अब बात करते हैं कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसका लेवल देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ही यहाँ पर अभी के टाइम में जिस तरह है, शायद आने वाले टाइम में और ज़्यादा गिरावट आए। ये सपोर्ट लेगा करीब मेरे हिसाब से 62 रुपये के आसपास, तो अभी प्राइस क्या है इसका, 65 रुपये। 62 रुपये का SL रखना, SL अगर कोई इसे ट्रेड करेगा, और अगर कोई करंट प्राइस पे बाई करेगा तो अभी का देखो बहुत छोटा टारगेट है, 70+ का 100 टर्म का टारगेट है, ये दो टारगेट है। और अगर किसी ने बाय करना है इसे, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाय करना चाहता है तो मैं कहूँगा उसे थोड़ा रुके, क्योंकि आपके सामने ये जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन बन रही है ना, ये काफ़ी दूर है, और जब भी ये आसपास होती है ना तभी बाय करना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।